शिक्षक जी, आप इतना भी नहीं समझते क्या? माँ के समक्ष ऐसे ही चला जाऊंगा तो क्या वो व्यथित नहीं होंगी? अपने उदर को बांधने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना मुझे। प्रभु, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? आप मुझे अपने उदर पर बांध लीजिए। हाँ, अवश्य। धन्यवाद। देखा मूषक जी, माँ ने कहा था ना, मुझे कोई क्षति नहीं पहुँच सकती। हाँ प्रभु। जीर्णम जीर्णम भोजनम जीर्णम। गणेश जी कुशल है, अब सब कुछ यथावत हो गया। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी और समस्त देवगण, आप सभी यहाँ, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रतीत होता है मुझे लौटने में बहुत विलंब हो गया, जिसके कारण माँ ने चिंतित होकर आप सभी को यहाँ मुझे ढूंढने भेज दिया। किंतु पिताश्री, मैं तो पूर्ण रूप से कुशल हूँ। हाँ, उधर में थोड़ी सी पीड़ा अवश्य है, किंतु चिंता का कोई कारण नहीं। माँ कहाँ है पिताश्री? गणेश, अनुज गणेश, माँ तो तुम्हें लेकर ही चिंतित थी, किंतु अब तुम चिंता मत करो, माँ शीघ्र ही कुशल हो जाएंगी। हाँ गणेश जी, आप कुशल हैं, इसी में माता की चिंता दूर होगी और वो सामान्य हो जाएंगी। पुत्र गणेश, सूर्यदेव उचित कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें आहत देखकर देवी पार्वती मूर्छित हो गई थी, किंतु अब जब तुम सकुशल हो, देवी पार्वती भी स्वस्थ हो जाएंगी। माँ देखिए ना, माँ माँ मैं पूर्ण रूप से कुशल हूँ। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ मेरे कारण ही आपकी अवस्था हुई है। माँ माँ की अवस्था मेरे कारण ही हुई है। मात्र उपटन के लेप से उन्होंने मुझे आकार दिया, मुझ में प्राण का संचार किया। मेरा अस्तित्व तो उन्हीं से है, और मैंने क्या दिया उन्हें? दुख, पीड़ा और अश्रु। कितनी बार मेरे कारण रुदन करेंगी वो? सभी की मान्यता तो ये है कि संतान माता पिता के लिए आशीर्वाद के समान होती है, किंतु मैं तो सदा उनके कष्ट का कारण ही बनता हूँ। कितना अयोग्य पुत्र हूँ मैं। माँ अपने गणेश को देखिए, माँ नेत्र खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र भौम का तप तो और भी प्रचंड एवं उग्र होता जा रहा है। कहीं इसके उग्र तप से उत्पन्न ऊर्जा कैलाश पर कोई और संकट न उत्पन्न कर दे। ओम नमः शिवाय। अरे गणेश में ऐसा क्या विशेष है? मैं बनूंगा महादेव का परम प्रिय पुत्र, विवश कर दूंगा महादेव को कि वो मुझे अपने अति प्रिय पुत्र के रूप में स्वीकार करें। ऐसा कठोर तप करूंगा मैं। गणेश जी, आप स्वयं को दोष मत दीजिए,
इन सब का कारण आप नहीं, मैं हूं। विचित्र आकृति है ना आपकी, विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। किंतु अब देखिए उस परिहास का परिणाम। देखिए माँ को, इसलिए अब शांत नहीं रहूंगा मैं। माँ की इस अवस्था के कारण आप हैं आप। पुत्र गणेश। नहीं पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु ये मेरे और चंद्रदेव के मध्य की बात है। देखिए चंद्रदेव, देखिए माँ को, देखिए जगत जननी है, वो आदि शक्ति है, भयंकर क्रूर असुरों का क्षण भर में संहार करती है वो, किंतु उनका हृदय इतना कोमल है कि उपहास आपने मेरा किया और आहत वो हुई। आपको लज्जा आनी चाहिए चंद्रदेव, आज मेरी माँ समस्त संसार की शक्ति की स्रोत जगत जननी माता पार्वती एक साधारण अबला नारी के समान इस प्रकार मूर्छित पड़ी है, और उनकी इस अवस्था का कारण कौन है? आप है चंद्रदेव, आप। पुत्र गणेश शांत हो जाओ। मामा जी, आपकी बहन यहाँ मूर्छित पड़ी है और आप मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं? अरे पुत्र को साधारण कंकड़ से भी ठेस लगती है तो माँ के हृदय पर आघात होता है, और यह मेरी माँ इस प्रकार चेतना खोकर गिरी पड़ी है तो उनके हृदय को कैसा आघात पहुँचता होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। और आप कह रहे हैं मैं शांत हो जाऊं मामा जी? पुत्र गणेश, अनियंत्रित क्रोध से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता। समाधान की चिंता नहीं है मुझे पिताश्री, मुझे तो दंड देना है चंद्रदेव को। चंद्रमा तो प्रकृति के अनन्य भाग हैं, प्रकृति के संचार में उनका मुख्य योगदान है, उन्हें नष्ट नहीं कर सकते तुम पुत्र, अन्यथा प्रकृति का संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। नहीं पिताश्री, भूल हो अथवा अपराध दोनों का दंड अवश्य प्राप्त होना चाहिए, ये भी प्रकृति का ही नियम है। प्रथम पूज्य गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, क्षमा कर दीजिए प्रभु।
प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा कर दीजिए प्रभु। रुक जाओ अनुज गणेश, चंद्रदेव ने मात्र परिहास किया था, उन्हें क्या ज्ञात था कि उनके उपहास का ये परिणाम होगा। माँ अपनी मूर्छा से बाहर आई, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ उठिए, उठिए माँ। माँ उठिए, उठिए माँ उठिए, अपनी मूर्छा से बाहर आइए माँ। माँ, आप कुशल हैं माँ? क्यों करते हो तुम? माँ, सदा मुझे कष्ट देते रहते हो। शांति पूर्वक एक स्थान पर नहीं बैठ सकते तुम? पिताश्री, किंतु माँ, टहलने तो आपने ही भेजा था ना मुझे। बस, अब मुझे अपने कुतर्कों से समझाने का प्रयास मत करो गणेश। और मैंने तुम्हें टहलने कब भेजा था? तुम्हें टहलने ले जाने का सुझाव कार्तिके का था, पुत्र कार्तिक। पुत्र? मैंने क्या किया माँ? मैं तो केवल उसे टहलने ले गया था। पुत्र? माँ नहीं। माँ, माँ, पुत्र, क्षमा की कहाँ जा रहे हो? पुत्र। तुम क्या हंस रहे हो यहाँ? क्षमा माता, तुम तो अपने नाथ के साथ अपने प्रभु का ध्यान नहीं रख सकते थे तुम। पुत्र, माँ, 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 पिताश्री। प्रिये, आप तो दूर ही रहिए नाथ, सदा आप मेरे पुत्रों के मध्य आ जाते हैं। कदाचित अब गणेश जी और माता ने मेरी क्षमा याचना स्वीकार कर ली। ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरा पुत्र, मेरा गणेश सर्वथा कुशल है। माँ, जो समस्त सृष्टि का आधार है, भला उसे कोई क्या क्षति पहुंचा सकता है? मैं बहुत लज्जित हूं माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे वास्तव में तनिक भी अनुमान नहीं था कि मेरा ये सरल परिहास गणेश जी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा। मैंने उपहास करने से स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु ज्ञात नहीं किसके प्रभाव में आकर मुझसे ये अनुचित कार्य हो गया। माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैं भविष्य में कभी भी किसी के भोजन को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव,
सदा स्मरण रखिए, किसी के भी और विशेष रूप से किसी भी बालक के भोजन का परिहास कभी मत कीजिए। ये क्या माँ? आपके शरीर में ये कंपन कैसा? मैं भयभीत हो गई थी पुत्र। एक माता अपनी संतान की रक्षा के लिए सिंहनी बन संघर्ष करती है, किंतु उसे इस अवस्था में अचेत देखकर बिखर भी जाती। मैं तुम्हें अचेत इस अवस्था में देखकर टूट गई थी पुत्र। अब कोई संकट शेष नहीं, अब हमें लौटना चाहिए। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, आप सभी ने मुझे क्षमा कर दिया। क्या हुआ पुत्र? चलो, मैंने चंद्रदेव को क्षमा कर दिया है, किंतु माँ मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया है। आपको कितना कष्ट दिया है उन्होंने। चंद्रदेव, मैं दंड स्वरूप आपके प्राण तो नहीं लूंगा, किंतु आपको पूर्ण रूप से क्षमा भी नहीं करूंगा मैं। आप देवता हैं, आपको इतना दोषपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पुत्र गणेश, तनिक रुक जाओ, आवेश में आकर कुछ भी मत कर बैठना गणेश। चंद्रदेव, आपका सौंदर्य, जिसके कारण आपको सबसे सुंदर और आकर्षक देवता होने का इतना अभिमान है कि आप मेरे और मेरे गोलाकार उदर का उपहास कर बैठे। अब वही सौंदर्य मेरे श्राप से कलंकित हो जाएगा। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा। पुत्र गणेश, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने। मुझे क्षमा करें पिताश्री, जो मैंने किया वो सर्वथा उचित है। माँ, जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया, जिनके कारण आप मूर्छित अवस्था में गई थी, उन चंद्रदेव को अब दंड प्राप्त हो चुका है। अब लौट चलिए माँ। नारायण, ब्रह्मदेव, ये प्रथम पूज्य गणेश जी ने ये कैसा श्राप दे दिया मुझे। चंद्रदेव, गणेश के श्राप के कारण हम सभी आपको देख पाने में असमर्थ। पिताश्री, अब आपको ही कुछ कर। अब तो महादेव ने भी मुझसे मुख मोड़ लिया, अब तो कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। अब इस
श्राप के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा कुमार कार्तिकेय, कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। चंद्रदेव ने तो स्वयं को मेघों से ढक लिया है जिससे कोई भी भूल से भी उन्हें न देख सके, किंतु इससे तो रात्रि अंधकारमयी हो गई है। यदि ऐसा ही रहा तो रात्रि में कोई कुछ नहीं देख सकेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, प्रणाम माँ। शुभाशीष पुत्र। प्रणाम भैया। प्रणाम गणेश। पुत्र, कल रात्रि जो भी हुआ उससे तुम्हारे पिताश्री अत्यंत व्यथित। व्यथित है, किंतु क्यों माँ? मैंने तो वही किया जो उचित था। क्रोधावेश में आकर तुमने चंद्रदेव को श्राप जो दे दिया। मैंने चंद्रदेव को श्राप दिया क्योंकि उन्होंने अपने कृत्य से आपको दुख पहुँचाया। माँ, क्या आपके पुत्र के द्वारा आपके सुख दुख का ध्यान रखना अनुचित है? माँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके पिताश्री के समक्ष अपना पक्ष रख कर उनकी व्यथा दूर कर दूंगा। ये कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई? किसी भी माँ को ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना चाहिए कि उसके कारण उसके पति और पुत्र के मध्य दुराव उत्पन्न हो जाए। पुत्र कार्तिकेय, मुझे लगता है तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। मुझे आभास हो रहा है कि स्थिति बड़ी तनावपूर्ण होने वाली है। जी उचित है माँ। श्री नाथ, ये क्या? आपने तो अपने नेत्र भी नहीं खोले, हमें देखा भी नहीं और हमें अनदेखा कर अपना मुख मोड़ लिया। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? पिताश्री, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? क्या आप इसलिए कुपित हैं पिताश्री कि मैंने चंद्रदेव को दंडित किया? भूल तो तुमसे हुई है गणेश, अपने क्रोध में तुमने चंद्रमा पर दृष्टि डालने वाले को कलंकित होने का श्राप दे दिया और इसी कारण से अब मैं किसी को भी अपने दर्शन देने में असमर्थ हूं, क्योंकि चंद्र प्रतिछाया रूप में मेरे शीश पर भी विराजते हैं। इसलिए जो मेरे दर्शन करता है वो चंद्र के भी दर्शन करता है। इसलिए अब मेरे दर्शन करने वाले चंद्र पर दृष्टि डालने के कारण कलंकित हो जाएंगे। इसलिए अब मैं किसी को भी अपने दर्शन करने की अनुमति नहीं दूंगा, ना मेरे भक्तों को, ना कार्तिकेय, ना गणेश और ना तुम उमा, तुम भी नहीं। चंद्रदेव को शाप देकर ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया?
नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके दर्शन करे बिना मैं जीवित कैसे रहूंगी? जैसे वृक्ष का अपने जड़ के बिना, सरिता का अपने जल धारा के बिना, अर्थात जीवन के आधार के बिना कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार आप जो मेरे जीवन के आधार है, मेरे सर्वस्व है, आप जिनके दर्शन से मेरे दिवस का आरंभ होता है और मेरे दिवस का अंत होता है, आप मेरे नाथ, आप स्वयं कह रहे हैं कि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे। नाथ, गणेश ने चंद्रदेव को जो श्राप दी, उसका दंड आप मुझे क्यों दे रहे हैं? उमा, जब तुम अपने पुत्र को अचेत अवस्था में देखकर क्रोधावेश बह रही थी, तब भी मैंने तुम्हें चंद्र देवता को क्षमा करने के लिए कहा था। हम जगत पिता और जगत जननी हैं, और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने हेतु अपने हृदय को कठोर कर हमारा अपनी भावनाओं को भी तिलांजलि देना आवश्यक है। यही बात मैं गणेश को समझाने का प्रयास कर रहा था। वो प्रथम पूज्य है, उसका क्रोध में अपना नियंत्रण खोना कदापि स्वीकार्य नहीं, और अब जब उसने मुझे अनसुना कर श्राप दे दिया, तो हमें भी उसका परिणाम तो सहना ही पड़ेगा। पिताश्री। पुत्र गणेश, अब तो तुम्हें ही अपने पिता को समझाना होगा। तो ऐसी युक्ति, कोई तो ऐसा मार्ग होगा जिससे हम उनके दर्शन से वंचित ना रहें। पुत्र, उन्हें समझाओ, उन्हें शांत करो। पुत्र। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने क्रोधवश आपका अनुवाद नहीं सुना, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु ये भी सत्य है पिताश्री कि चंद्रदेव को शाप देने में मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। आप जगत पिता है पिताश्री, और माँ जगत जननी, ये भी सत्य है। किंतु ये भी सत्य है कि मेरे लिए, अर्थात अपने पुत्र गणेश के लिए, आप भी पिता है और माँ मेरी माता। और यदि कोई मेरी माँ को पीड़ा पहुँचाएगा तो उसे मैं कदापि सहन नहीं करूँगा। हाँ पिताश्री, ये सत्य है कि मुझे क्रोध आया था, और कदाचित मुझे प्रथम पूज्य गणेश होने के नाते अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। कदाचित मुझे चंद्रदेव को क्षमा भी कर देना चाहिए था, किंतु अपनी माँ का पुत्र होने के नाते, जब अपनी माँ को, जो आदि शक्ति है, उनके शरीर में मैंने कंपन देखा। ये क्या माँ? उन्हें भूमि पर असहाय मूर्छित देखा, पीड़ा से उनका हृदय आघात होते देखा, उनके अश्रु देखे, तो मैं स्वयं को कैसे रोकता पिताश्री? माँ तो कभी भी किसी से अपनी पीड़ा नहीं कहती हैं। बार बार मेरे भैया और अथवा स्वयं आपके कारण उनके हृदय पर आघात होते रहता है, किंतु वो निशब्द रहकर उन पीड़ाओं को सह लेती हैं। क्या ये उचित है पिताश्री? चंद्रदेव को मैंने इसलिए शाप नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेरा उपहास किया, वो तो मैं भूल चुका था पिताश्री। मैंने उन्हें इसलिए शाप दिया क्योंकि उनके कृत्य से मेरी माँ को अपार वेदना सहनी पड़ी, वो टूट गई थी, और इसलिए मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पछतावा नहीं है पिताश्री। पुत्र गणेश, अब एक और शब्द नहीं, रुक जाओ पुत्र। ये भावनाओं के कैसे भवन में फंस गई हूं मैं, कैसी स्थिति है ये? एक और मेरा पुत्र जो मेरे प्रति अपना स्नेह, अपनी निष्ठा को व्यक्त कर रहा है, और दूसरी ओर मेरे कर्तव्य निष्ठ पति, जिनके लिए उनके दायित्व ही सर्वोपरि है,
जो अपने परिवार को ही दंडित कर हमें यह स्मरण करा रहे हैं कि अपार शक्ति होने के साथ साथ बड़े उत्तरदायित्व भी निभाने होते हैं। आपके इस कथन का क्या अर्थ है उमा? क्या मैं केवल कर्तव्य से बंधा पति हूं? ये तो आपको भी ज्ञात है कि मेरे लिए दायित्व सर्वोच्च है, क्योंकि उनमें संपूर्ण सृष्टि का, सभी चराचर जीवों की भलाई निहित है। किंतु आपका ये कहना कि मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। स्वामी, यदि आपके लिए अपने परिवार का महत्व होता तो आप हमसे मुख क्यों मोड़ते? यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। मेरा आपसे, गणेश से, कार्तिक से विमुख होने का कारण है, मैं अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूं, उसे कलंकित नहीं होने देना चाहता। प्रभु, गणेश तो अभी एक बालक है, इसीलिए जो कुछ भी हुआ वो मेरे कारण हुआ। गणेश का उसकी माँ के प्रति स्नेह के कारण हुआ है, और एक बालक का उसके माँ के प्रति स्नेह कोई अपराध तो नहीं है प्रभु। इसीलिए प्रभु, अपने परिवार को दंडित मत कीजिए, अपने भक्तों को दंडित मत कीजिए। उमा, कल जो हुआ था वो गणेश के क्रोध के कारण हुआ था। प्रथम पूज्य देवता होने का दायित्व समझना होगा उसे। उसे समझना होगा कि उसके लिए व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान नहीं। उसका जीवन मात्र और मात्र जगत कल्याण के लिए ही समर्पित है। और ये भी कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। उमा, गणेश मेरा पुत्र है तो चंद्रदेव भी तो मेरे पुत्र के ही समान है। अपने पुत्रों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता मैं। उमा, मेरे पुत्र गणेश ने मेरे ही पुत्र चंद्रदेव को श्राप दिया। वही चंद्रदेव जो मेरी जटाओं में स्थित है, और वही श्राप का भार उठाने के लिए मैं विवश हूं। मैं क्षमा चाहता हूं पिताश्री, किंतु आपके पुत्र चंद्र ने ही मेरी माँ को ठेस पहुंचाई, उन्हें कष्ट दिया। ये मैं कैसे स्वीकार करूं पिताश्री, कैसे स्वीकार करूं, आप ही बताइए। जो एक पुत्र को लगा उसने किया, मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। गणेश कुछ भी सुनने और समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि पिताश्री के शब्द भी उसे प्रभावित करने में अक्षम हो रहे हैं? यदि कोई स्वयं से अपना नियंत्रण खो बैठे तो धैर्य से काम लेकर स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।